राक्षस हो तुम, राक्षस। तो फाइनली दोस्तों, आज धर्मा प्रोडक्शन के तले बनने वाली फिल्म किल इंडियन सिनेमाज में रिलीज हो चुकी है। और दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि इंडियन सिनेमा की मोस्ट वायलेंट फिल्म रणबीर कपूर की एनिमल है, तो आप गलत सोचते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज किल मूवी को देखने के बाद मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि इस फिल्म जैसा वायलेंस आपने आज तक इंडियन सिनेमा की किसी फिल्म में नहीं देखा होगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फिल्म किल का और जानेंगे दोस्तों कि ये फिल्म कैसी है, फिल्म को आपको सिनेमाघरों में देखना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इस तरह की वायलेंस फिल्में देखना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, निखिल नागेश भट्ट के डायरेक्शन में बनने वाली किल एक वायलेंस फिल्म है जिसकी कहानी एक ट्रेन में हुए इंसिडेंट्स को दिखाती है। फिल्म की कहानी एक कपल अमृत और तुलिका के इर्द गिर्द घूमती है जो कि एक दूसरे से बेतहाशा प्यार करते हैं। अमृत एक मिशन से लौटता है जिसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तुलिका की सगाई किसी और से हो गई है। तुलिका को सरप्राइज करने के लिए अमृत अपनी एक आर्मी फ्रेंड वीरेश के साथ उस ट्रेन में चढ़ता है जिसमें तुलिका और उसका परिवार सफर कर रहे हैं। यह जर्नी जब परेशानियों से भर जाती है जब फानी और उसका गिरोह तुलिका को किडनैप कर लेता है। इसके बाद अमृत तुलिका को बचाने के लिए जो मार काट मचाता है, इसे देखकर अच्छों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे। तुलिका को बचाने और साथ ही साथ बाकी सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए अमृत जिस तरह का एक्शन और जिस तरह का रौद्र रूप दिखाता है, वो देखने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म सिनेमाघरों में देखनी चाहिए। फिल्म में जिस तरह के किस एक्शन लक्ष्य का हमें देखने को मिला है, वो शायद ही आपने किसी डेब्यू एक्टर का देखा होगा। फिल्म में दोस्तों उनकी परफॉर्मेंस और उनका एक्शन जबरदस्त है और शायद ही दोस्तों बॉलीवुड का कोई और एक्टर इस तरह का एक्शन अपनी डेब्यू फिल्म के साथ कर पाया होगा। फिल्म में दोस्तों लक्ष्य ने जिस तरह से अमृत के रोल को और एक सैनिक के रोल को निभाया है, वो जबरदस्त है। और दोस्तों, इस जबरदस्त काम के लिए लक्ष्य को 5 out of 5 स्टार दिए जा सकते हैं। उनका यह डेब्यू इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बिगेस्ट डेब्यू है जो कि टाइगर और विद्युत जामवाल जैसे बड़े एक्शन हीरो को भी टक्कर देने वाला है। अमृत के रोल में दोस्तों लक्ष्य काफी पावरफुल और धमाकेदार अंदाज में एक्शन करते हुए नजर आए हैं। तुलिका को बचाने के लिए दोस्तों जिस तरह का एक्शन यहाँ पर रिक्वायर था, वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है। और दोस्तों, उनका ये एक्शन आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तुलिका के रोल में दोस्तों आपको तान्या नजर आने वाली है और दोस्तों तान्या ने भी अपने काम को बखूबी निभाया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर राघव जुयाल का जो काम है वो भी फिल्म में आपको सरप्राइज कर देगा। बताते चले दोस्तों आपको कि लगभग 1 घंटे 46 मिनट की ये फिल्म इंडियन सिनेमा कि मैंने देखी हुई अब तक की मोस्ट वायलेंट फिल्म है जिसमें आपको ब्लडबाथ और इंटेंस एक्शन देखने को मिलने वाला है जो कि इंडियन सिनेमा का जो बार है वो काफी हाई ले जाने वाला है। दोस्तों, बताते चले आपको कि फिल्म में आपको एक सिंपल सी कहानी देखने को मिलने वाली है जिसका कोई बैकड्रॉप नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिल्म में जो काम यहां पर लक्ष्य और इस फिल्म के एक्शन और कोरियोग्राफर्स ने किया है वो आउटस्टैंडिंग है। फिल्म की एक्शन कोरियोग्राफी के लिए 10 out of 10 स्टार्स दिए जा सकते हैं क्योंकि दोस्तों फिल्म का एक्शन किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। और यूं कहें दोस्तों कि जॉन विक जैसी फिल्म को भी ये फिल्म वायलेंस के मामले में पीछे छोड़ती है। यानी कि दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो हॉलीवुड लेवल का एक्शन हमें यहाँ पर धर्मा प्रोडक्शन की ये फिल्म किल में देखने को मिला है। दोस्तों, बताते चले आपको कि कमजोर दिल वाले तो इस फिल्म को सिनेमाघरों में देख ही नहीं सकते क्योंकि दोस्तों ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा खतरनाक मूवी है जिसमें आपको वायलेंस और ब्लड बाथ देखने को मिलने वाला है। फिल्म का दोस्तों जो टॉपिक है वो काफी सिंपल है, लेकिन लक्ष्य के डेब्यू और उनके इस एक्शन को देखने के बाद ये कहा जा सकता है दोस्तों कि वो आने वाले समय में इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन सुपरस्टार बनने वाले हैं। मुझे दोस्तों ये फिल्म पर्सनली काफी अच्छी लगी जिसका एक्शन आउटस्टैंडिंग है। फिल्म दोस्तों वायलेंस के मामले में इंडियन सिनेमा की मोस्ट वायलेंट फिल्म है। साथ ही साथ दोस्तों, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म में जो एक्शन हमें देखने को मिला है वो वन ऑफ द बेस्ट है। मेरी तरफ से दोस्तों इस फिल्म को 4.5 stars। आपको भी दोस्तों ये फिल्म सिनेमाघरों में ही देखनी चाहिए क्योंकि दोस्तों इस तरह की फिल्में बॉलीवुड कम ही प्रोड्यूस करता है। और हाँ दोस्तों, ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने से पहले ही हॉलीवुड में रीमेक के लिए जा चुकी है। और दोस्तों, इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक बॉलीवुड फिल्म का रीमेक हॉलीवुड कर रहा है। तो दोस्तों, मैं तो बस आप सभी को यही कहूंगा कि किल मूवी को आप सभी सिनेमाघरों में देखिए और इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।